हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? एंड माय नेम इज़ अंकुर राठी, जैसे कि आपको पता है. एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म 24x7. एंड अगेन वेलकम टू दिस अभियान, सिविल सर्विसेज का जो एक पूरा कारवा है उसके साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आज मैं एक बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल इनोवेटिव अप्रोच के साथ आपके सामने आया हूँ, जिसमें मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्यों क्यों महत्वपूर्ण है वो? क्योंकि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है इस इंडिया में. कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस. ये ऐसे एग्जाम है जो इतनी औकात रखते हैं कि सिविल सर्विसेज, नेशनल सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी को भी कई बार टक्कर दे देते हैं. और वो कॉम्पिटिटर जो यूपीएससी में महारथी है, कई बार यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी आपको पता ही है क्या उसे बुरी तरीके से निचोड़ देती है. और ये भी आपको पता ही होगा कि जो बिहार पीसीएस है या यूपीपीसीएस खास तौर से, उसके कैडर की क्या वैल्यू होती है और कितना ताकत जो एस्पिरेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, उस कैडर के लिए लगाता है. तो आज मैं उसी चीज को लेके आपके सामने आया हूं. आपको हमारी टीम के बारे में पता ही है, अभियान टीम के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. हमारा जो पूरा जीएस की एक टीम है जिसमें 4-5 लोग जुड़े हुए हैं, और आपके लिए मैं अभी देखिए खोल तो नहीं सकता वो बातें, लेकिन हम में से कुछ लोग सेलेक्टेड भी है एंड और बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे चुके हैं. इतने सारे इंटरव्यू, अदर स्टेट के इंटरव्यू, यूपीएससी के इंटरव्यू, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज टीम है हमारे पास. तो जिसमें मैं हूँ, चौधरी सर है हमारे, जो धनंजय सर है, उसके बाद हमारे शर्मा सर है, और ये सब, ये सारी सारे जो है बड़े एक्सपर्टाइज इन है, मुखर्जी नगर के सभी कोचिंग से जुड़े हुए हैं. ये समझ लीजिए आपकी ये टीम ऐसी है कि जिस कोचिंग में टीम नहीं जुड़ी होगी वहां कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी, उस कोचिंग की टीम या उस कोचिंग की जो क्वालिटी कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी. खैर, बात करते हैं अपने एक नए कोर्स के बारे में जिसमें हम फोकस कर रहे हैं यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के प्री को. हम प्री को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि प्री का बड़ा चेंज आ रहा है. और आपने देखा होगा इस बार जो रिजल्ट आया है, बच्चों को बड़ी उम्मीद थी यूपी पीसीएससी की, बहुत मेरिट कम जाएगी. कुछ नहीं तो 80 जिनके सही थे उन्होंने भी सपने देख लिए थे. लेकिन सपने तो सब देख सकते हैं, लेकिन पूरे तो कुछ ही लोगों के होते हैं, ये पता ही होगा आपको. लेकिन उसे पूरे करने का तरीका होता है. और आपने देख लिया है 93-94 क्वेश्चन की मेरिट जा रही है, 126 मेरिट जा रही है. तो देखिए अपने, वो भी नेगेटिव के बाद, नेगेटिव के बाद, करंट अफेयर के बाद. तो आप देखिए, और बहुत ज्यादा रिपीट का ऐसा सब कुछ नहीं चल रहा जैसे पहले था, 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं, आप उन्हें एक वेटेज ले जाओगे, नहीं. तो अप्रोच चेंज हो रही है, नए लड़के जो है, नए विद्यार्थी जो है उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. जो पुराने लोग हैं उन्हें थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा आपको. तो उसी ट्रेंड पे मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे प्री में अपनी एंश्योर कर ले सीट, पूरी तरीके से सिक्योर कर ले अपनी सीट, वो किस तरीके से तैयारी हो वो मैं आपको बताऊंगा. एक चीज और कहूंगा बच्चों, देखिए जो प्री है ये आपका सिलेक्शन तो कराता नहीं है, लेकिन बेटे जिसका प्री नहीं हुआ वो पूरे साल बर्बाद रहता है. जी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का हमें. और मजा जब आता है जब आप दो स्टेट के पीसीएस देते हो और दोनों के पीटी नहीं हो, क्योंकि आपने पीटी को हल्के में ले लिया. एंड फाइनली व्हाट वुड हैपन, पूरा साल खत्म, कैसे गया पता भी नहीं लगने का, इतना बड़ा लॉस होता है. आप 2-3 महीने आपको उस असफलता में से निकलने में लगता है, रिट्रीव करने में लगता है, और उस टाइम कोई नहीं होता आपके साथ, आप खुद अकेले होते हो, फेलियर होते हो. उस साल पढ़ाई भी नहीं होती क्योंकि आपके पास टारगेट आगे नहीं है कुछ. तो देखिए प्री कभी फेल नहीं होना, प्री फेल नहीं होना. लगातार मेंस दोगे, एक साल में 2 मेंस दे रहे हो, 3 दे रहे हो, फिर अगले साल दे रहे हो, तो इंटरव्यू चल रहा है उनका. एक आध में मेंस में फेल हो रहे हो, एक आध में पास हो रहे हो, दो इंटरव्यू आपके सामने चल, साइकिल चल रही है. तो 2-3 साल में इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा. मैं 2-3 साल इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा कि 2-3 साल पढ़ना पड़ेगा जब भी होगा, नहीं. एक्चुअली है क्या, स्टेट पीसीएस के स्थिति का आपको पता ही है. तो आपको 2-3 साल इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट देने में इतना टाइम लगाते हैं. फाइनली उनकी गलती है, अपनी कोई गलती नहीं है. खैर, बात करते हैं यूपी पीसीएस और जो बिहार पीसीएस है वो. उसके लिए हम एक इंटीग्रेटेड कोर्स ला रहे हैं, प्री के कोर्स ला रहे हैं. 5 जुलाई को
5 जुलाई को लॉन्च हो रहा है कोर्स, और इस कोर्स की खासियत मैं आपको बता दूं, 90 डेज, सिर्फ 90 डेज में हम आपको सिलेबस कराएंगे पूरा जीएस का, यानी कि 6-7 महीने 8 महीने आप पूरी ताकत लगा देते हो, आपको झोंक देते हैं कोचिंग्स में, और सारी चीजें आप में इतना इतना ज्यादा वो करा देते हैं, सारी चीजें हो जाती है कॉम्प्लिकेटिव आपका पूरा चीज है कि आप कोचिंग में ही सारा टाइम दे देते हो, और उसके अलावा क्या होता है आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, तो एक साल उसमें लग जाएगा, फिर अगले साल आप सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है ना। उस कुछ चीजें कुछ बच्चों के साथ क्या होगा, वो रेगुलर रहते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं कि ना आई कैन नॉट डू दिस आई गिव अप, तो सिंपली ये सारी चीजें होती है। खैर अब बात करते हैं, यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो देखिए इसमें हम प्रोग्राम क्या रखेंगे, मेरा जो पोर्शन होगा बच्चों ज्योग्राफी का पोर्शन होगा, एनवायरमेंट का पोर्शन होगा, और कुछ करंट अफेयर का पोर्शन होगा। मैं आपको अब बता दूं कि इसमें 4-5 वीडियो आपकी डेली आएगी जो आपको कंप्लीट करनी है, तो 4-5 डेली वीडियो आपको पढ़नी है हम जो आपको देंगे। सिलेबस की बात करते हैं, देखिए जो अप्रोच रहेगी बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो अप्रोच रहेगी, तो देखिए ज्योग्राफी में अगर मैं बात करता हूं ज्योग्राफी में, तो दो चीज हम इसमें पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या क्या पढ़ाता चलूंगा। देखिए सबसे पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करता हूं, और इंडियन ज्योग्राफी में जो मैं लेता हूं सबसे पहले वो लेता हूं मैपिंग। बच्चों मैपिंग क्या है, कहीं भी सिलेबस में आपको मिलेगा देखेंगे नहीं आप उसे, सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अधूरा रहता है, ज्योग्राफी है ही नहीं इसके बिना, ये बेस है ज्योग्राफी का। मैपिंग होगा, उस मैपिंग के बाद मैं आपको कराऊंगा फिजिकल फीचर। बच्चे इस फिजिकल फीचर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें माउंटेन्स पढ़ेंगे, माउंटेन्स भी कौन कौन से, हिमालय माउंटेन रेंज या मिडिल इंडिया के माउंटेन रेंज या साउथ इंडिया के माउंटेन रेंज। उसके बाद हम फिजिकल फीचर में क्या पढ़ेंगे, रिवर्स में हम कौन कौन सी पढ़ेंगे बच्चों, रिवर्स में हम पढ़ेंगे जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो, और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो। इसके अलावा प्लेट्यू पढ़ेंगे, यानी कि पठार पढ़ेंगे हम, और कितने पठार है भारत में, क्या स्थिति है पठारों की, किस किस तरीके से उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन आते हैं इससे। इसके बाद हम इस बेसिक फीचर में क्या पढ़ेंगे, डेजर्ट, इंडिया का कहाँ डेजर्ट है, कहाँ पे हॉट डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट दोनों, यानी कि शीत मरुस्थल और गर्म मरुस्थल दोनों के बारे में हम करेंगे। उसके बाद फिजिकल फीचर में जो हम करेंगे बच्चों, इसके बाद होगा कोस्टल रीजन में ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट या वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। उसके बाद हम करेंगे आइलैंड्स, या आइलैंड्स हम करेंगे, आइलैंड्स में क्या होगा, अरेबियन सी में अरब सागर के आइलैंड और बंगाल की खाड़ी के आइलैंड्स, ये सारा हम फिजिकल फीचर में इंक्लूड करेंगे बच्चों। इसके बाद फिजिकल फीचर जब हमारे हो जाएंगे, तो मैं उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, या बच्चों कुछ बच्चे इसे इस नाम से जानते होंगे, मॉनसून ऑफ इंडिया। ये मॉनसून में कराऊंगा आपको, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है बच्चों हिंदी में जलवायु। मैं बता दूं ये कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के बाद बात करते हैं बच्चों रेनफॉल की, रेनफॉल यानी कि वर्षा। हिंदी वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड की सीमित जगह होती है और सारी चीजें लिख नहीं सकते, इसलिए मैं आपको बोलता चल रहा हूँ। रेनफॉल का मतलब है वर्षा देखेंगे हम। फिर वर्षा के बाद बच्चों जो हम आएंगे वेजिटेशन का मतलब होता है बच्चों वनस्पति। जो वनस्पति होता है, जैसे कि जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं, भारत में कौन कौन सी वनस्पति कहाँ मिलेगी, कितनी तरह की वनस्पति है भारत में, कौन सी सबसे ज्यादा कहाँ है, किस तरह के कौन से पेड़ किस तरह की वनस्पति में पाए जाएंगे, ये सब हम वेजिटेशन में बच्चों देखेंगे। उस वेजिटेशन के बाद हम जो आते हैं इसके बाद बच्चों आते हैं सोयल में। सोयल का मतलब होता है मृदा यानी कि मिट्टी। कुछ बच्चे से मिट्टी के नाम से आम भाषा में जानते हैं मिट्टी, तो सोयल। इस सोयल के बाद जो हम आगे चलेंगे उसमें चलेंगे एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं कृषि। कृषि में हम सारी चीजें पढ़ेंगे, भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ, भारत में कृषि की क्या स्थिति है, भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं कृषि के साथ, और कृषि क्रांति से सारी चीजें जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति और अन्य हरित क्रांति, उनके बारे में आज के कंटेक्स्ट में एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे करा जाए। बच्चों मैं इसमें थोड़े से इशू भी लेता चलूंगा, जैसे कि भारत सरकार का 2022 तक का एक लक्ष्य है किसानों की आय को दुगना करना, उसके बारे में भी मैं इसमें इंक्लूड करके बात करके चलूंगा। खैर चलिए एग्रीकल्चर के बाद रिसोर्सेज में कराऊंगा,
रिसोर्सेज, बच्चों रिसोर्सेज का मतलब हो गया संसाधन, इनमें संसाधन देखेंगे। संसाधन कैसे, जैसे धातुवे संसाधन मेटल और नॉन मेटल अधातुवे संसाधन, जैसे कि हम इसमें कोयला देखेंगे, लोहा देखेंगे, मैग्नीशियम देखेंगे, अच्छा सैंडस्टोन देखेंगे, हीरा देखेंगे, गोल्ड देखेंगे, कहाँ मिलते हैं, किस किस तरीके से कैसे होगा और किस तरीके से इन्हें याद किया जाता, वो टेक्निक आपको बताऊंगा, मेमोरी वाली टेक्निक जो होती है। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के बाद बच्चों हम देखेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बच्चों यानी कि जनसंख्या, थोड़ी हाइट ज्यादा हो रही है, बोर्ड नीचे हो गया तो खैर एडजस्ट करना पड़ता है कुछ चीजों में। तो पॉपुलेशन जनसंख्या इसके बारे में देखिए बच्चों, पॉपुलेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी एग्जाम में रखा आएगा, तो आपको पॉपुलेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए, उसे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना, एक बार ऐसे पढ़ना कि कोई भी एग्जाम आ जाए उसमें लिख दो आप, उसे याद करा हुआ सामने आ जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जो एक बार पढ़ने होते हैं और हर एग्जाम में वेटेज देते हैं, उनमें से ही है पॉपुलेशन। इसके बाद बच्चे बात करेंगे वर्ल्ड, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पहले, सबसे पहले मैं आपको मैपिंग कराऊंगा, MAPPING मैपिंग यानी कि आपको मानचित्र बताऊंगा पूरे विश्व का। अगर आपको यह नहीं पता कि भाई अमेरिका है क्या, एक्चुअली अमेरिका जब नाम लेते हैं हम तो लोग सोचते हैं कि अमेरिका जिसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है यानी कि यूएसए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, अमेरिका तो एक महाद्वीप है, दो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, वो बहुत कम लोगों को पता, उसमें कंट्री है, बहुत सारी कंट्री है दक्षिणी में भी और उत्तर में भी, तो उसमें से एक कंट्री है यूएसए जो सबसे पावरफुल है, इसीलिए हमें उसके नाम से ही पता है, हम सोचते हैं ये इसी का सिनोनिम, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अटलांटिक ओशियन कहाँ है, इंडियन ओशियन कहाँ है, पैसिफिक ओशियन कहाँ है, एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, किस लैटिट्यूड पे क्या है, किस लोंगिट्यूड पे क्या है, इधर से इधर आएंगे क्या चेंज होगा, सारा मैपिंग से आएगा और ये बेसिक है, मेरी बात मानिए, आप कहीं पढ़िए कुछ भी करिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि आप मुझसे पढ़ रहे हो या उससे, नहीं नहीं, जो आपको यार सेटिस्फाई करता हो उससे, जो जिसके स्टाइल आपको अच्छा लगता हो उससे आप पढ़िए, है ना। किसी किसी के लिए अमिताभ बच्चन अच्छा नहीं लगता लेकिन मोस्टली लोगों को अच्छा लगता है, तो हर आदमी हर चीज को संतुष्ट नहीं कर सकता या हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, भारत में तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री। खैर मैपिंग, मैपिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे आगे चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड, इसमें हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे ग्रह कैसे बने, हमारे गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाएं कैसे बनी हमारी, है ना, स्टार्स कैसे बने, हमारे प्लैनेट कैसे आए, सोलर सिस्टम क्या है उसके बारे में बात देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आ रहे वो देखेंगे, वो सारी चीजें हम यूनिवर्स में करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि भारत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम दो तीन चीज पे फोकस करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्या है एक्चुअली उसके अंदर, किस कितनी तरह की परत पाई जाती है, क्या मिलता है उसमें, ठीक है, और उसमें ही हम आगे बात करेंगे वेव्स की, जो तरंगे निकलती है भूकंपीय तरंगे, और इसी के अंदर हम चट्टानों की बात करेंगे, रॉक्स, रॉक्स यानी कि चट्टान, वेव्स, वेव्स तरंगे बच्चों, रॉक्स को मैं बता दूं, रॉक्स को शैल बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए, वेव इसका मतलब है तरंगे, भूकंपीय तरंगे जैसे हम जानते होंगे, तो इसी में हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे, इसी में हम वोल्केनो पढ़ेंगे बच्चों, जो भूकंप है, जो ज्वालामुखी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, बहुत सारे ज्वालामुखी है, कैसे किसको कितना अप्रोच करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर को बोलते हैं वायुमंडल, यानी कि अगर मैं आप लेमन लैंग्वेज में कहूं पृथ्वी एक बोल है, उस बोल के अंदर क्या है वो इसमें पढ़ा हमने, इस बोल के ऊपर क्या है वो हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे, इसमें लेयर पढ़ेंगे, जैसे 3-4-5 तरह की जो लेयर होती है वो पढ़ेंगे, उसमें कैसे कैसे कंपोजिशन है, हवाई जहाज कहां चलते हैं, हम दिवाली पे रॉकेट चलाते हैं कहां जाता है, गोली को हमने शूट करा, बुलेट चलाई हमने, हमने गोली चलाई तो वो कहां गई, किस तरीके से कैसे है,
एक जगह ऐसी है जहां आप जाओगे तो ना वापस आ पाओगे ना ऊपर जा पाओगे। ऐसी ऐसी चीजों के बारे में मैं आपको बताता चलूंगा, सारी चीजें कंप्लीटली एक कंसेप्ट के साथ, और सारी चीजें जो जो प्रॉब्लम होती है बच्चों, एक यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में एक बड़ी प्रॉब्लम है, कितने डाटा को कैसे याद किया जाए, मैं बताऊंगा उसकी टेक्निक आपको कैसे याद किया जाए। बहुत टिपिकल नहीं है, एक बार हल्का सा आपको देखना है, उसकी आदत हो जाएगी आपको हर चीज। इवन याद करना पढ़ाई छोड़िए, आप सब्जी लेने जाएंगे, कई बार देखा होगा मम्मी बोलती है कि आपको ये लाना, और मोस्टली क्या होता है हम भूल जाते एक दो चीज, तो आप वहां भी यूज करोगे क्योंकि आप यूज्ड हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे, तो आप उसमें भी यूज करोगे बच्चों, और देखना सारी चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में रहेगी। एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर ली हमने, इसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट क्लाइमेट यानी कि जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु, हवाएं जिसमें हम देखेंगे, वर्षा देखेंगे हम इसमें, जल जल जो जल क्रिया है वो देखेंगे हम, जल चक्र देखेंगे हम इसमें, वाटर साइकिल देखेंगे हम इसमें, ठीक है, और किस तरीके से वातावरण कैसे बदल रहा है वो देखेंगे हम इसमें, हम इसमें टेम्परेचर प्रेशर यानी कि ताप और दाब में संबंध देखेंगे हम, इसमें ह्यूमिडिटी देखेंगे, आर्द्रता देखेंगे, और बहुत सारी चीजें जितनी भी क्लाइमेट की होती है। बच्चों इसके बाद जब हमारी क्लाइमेटोलॉजी अब हमारी ये खत्म हो जाएगी, तो इस क्लाइमेटोलॉजी के बारे में आगे हम बात करेंगे ओशनोलॉजी की। ओशनोलॉजी समुद्र, समुद्र के बारे में, महासागरों के बारे में, क्या होता है इनके अंदर, मछलियां वेल, पृथ्वी का सबसे बड़ा सबसे बड़ी जो जीव है वेल, इतनी बड़ी जीव कहां रहती है ये समुद्र के अंदर, जहाज इतना बड़ा जहाज जो ऊपर तैरता है कैसे तैरता है, डूबने के बाद कहां जाता है, एक हवाई जहाज जो साउथ ईस्ट एशिया से चल के आ रहा था तो वो डूब गया, वो कहां गया, क्या है सागर, इसके नीचे क्या है, कहां जाती है डेड बॉडी जो उसमें गई, वो सारी चीजें आपके जो दिमाग में क्यूरियोसिटी है, जनरल क्यूरियोसिटी है, पढ़ाई के अलावा क्यूरियोसिटी जो रहती है वो सब खत्म, इससे देखते ही आपको सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। उसके बाद हम फिजिकल फीचर देखेंगे इसके, यानी कि भौतिक तत्व, फिजिकल फीचर बच्चों, फिजिकल फीचर भौतिक तत्व, भौतिक तत्व में मैं फिर बता रहा हूं आपको, माउंटेन्स, रिवर, प्लेट्यू, डेजर्ट, आइलैंड्स, ये सारे हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से, किस किस तरीके से, कहां कहां क्या हो रहा है। इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें बच्चों हम देखेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन, बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए हर पीसीएस में जो नेशनल पॉपुलेशन है राष्ट्र की उससे तो आता ही है, इंटरनेशनल पॉपुलेशन से, और यूपी पीसीएस का तो पैट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है, पूरी दुनिया में सबसे कम ग्रोथ कहाँ है, पूरी दुनिया में किस देश की सबसे कम जनसंख्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, और चाइना से तो कंपेयर बहुत कराने लगा, इवन हमारे देश के लोगों को हमें ये नहीं पता, जो हमारे देश के लोग हैं उनमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है पॉपुलेशन में, लेकिन चाइना का पता हो चुका है कि 18.5% के आसपास है ना, हमारा 17.5% के आसपास है, बस 1% ही कम है उससे हम। खैर ये सारी चीजें बताऊं, इसके बाद रिसोर्सेस, बच्चों जो रिसोर्सेज है इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल रिसोर्सेज जो इंडिया के थे, अब मुझे वर्ल्ड में देखना है, वर्ल्ड में कॉपर कहां मिलता है, जैसे क्वेश्चन यूपी का तो पैट क्वेश्चन है, बिहार की भी पेट क्वेश्चन है, और पता नहीं क्यों पूछता है, चाय से, ऊन से, टीन से, सिल्वर चांदी से, और मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा याद कराने की, चलिए एक बता देता हूं, जैसे सिल्वर की बात कर दी, चांदी, देखिए चांदी का आंसर आता है मैक्सिको, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, याद कैसे रखना, देखो चांदी की होती है पजेब, पजेब पहनी जाती है पैर में, पहने कौन पहनती है, वुमेन, और वुमेन की एक ड्रेस और होती है घर में जो नॉर्मली पहन लेते हैं मैक्सी, तो आपको याद रखना है मैक्सिकोन पहन रही है वुमेन, वुमेन से पजेब याद रखना है, और पजेब से चांदी, पजेब चांदी की होती है और मैक्सिको में सबसे ज्यादा होती है, इस तरह की चीजें में सारे आपको याद, गोल्ड कहाँ मिलेगा आपको, कौन सी खान किसके लिए प्रसिद्ध है, किस फैक्ट को कैसे याद किया जाए, कर्क रेखा से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, ये शायद मैं बता भी चुका हूँ बच्चों एक बार आपको एक क्लास में, है ना,
और जो वर्ड वर्ड में जो है कैस्पियन सी से कौन सी सीमा कहां से कैसे लगती है, इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं आपको टेक्निक के माध्यम से कराऊंगा। तो मैं आपको, मैंने बच्चों आपको सिलेबस बताया, मैंने आपको बताया किस किस तरीके से हम इसे कवर करेंगे। मैं एक चीज और बता दूं बच्चों, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है उसमें क्या अप्रोच है, मैं इस अप्रोच के बारे में बात करूंगा कि मैं किस अप्रोच से बच्चे को कराता हूँ, किस अप्रोच से कैसे ये सिलेबस कंप्लीट होगा, तो वे ऑफ स्टाइल क्या होगा मेरा, क्या अप्रोच होगी मेरी, मैं आपको एक बार छोटा सा ये बता देता हूं कैसे मैं कराऊंगा। अप्रोच देखिए, अप्रोच में हम कैसे करेंगे, मेरी दो अप्रोच रहेगी, एक अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, या ऐसे कहते हैं जिसे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट एक चीज, दूसरी चीज मेमोरी, याद करने का क्या तरीका हो, सबसे टिपिकल काम है बच्चों के सामने, जिसे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है लेकिन मेमोरी नहीं है तो फेल हो जाते हैं, एक क्वेश्चन से फेल हो गया यार ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं हो रहा था, तो उसकी एक टेक्निक होती है, ये मैं टेक्निक से कराऊंगा, टेक्निक टेक्निक से होगा बच्चों, ऐसे नहीं मगिंग अप, वी डोंट मगिंग अप द थिंग्स, ये है ऐसे रट्टा मारा, ये हाथ लिया, ये ऐसे करना, ये वाला माइक बोल के ऐसे है, ये वाला यहाँ पे नहीं, अच्छा है नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जो एग्जाम में करते थे ट्वेल्थ में या इलेवंथ में टेंथ में स्कूलिंग टाइम पे, ये रिवाइज करना है बस, रट्टा मारे भगवान बस, ये सब कुछ नहीं करना, मेमोरी टेक्निक है, ऐसा कुछ कराऊंगा आपको, एक बार पढ़ो एक बार रिवाइज करो, कम से कम साल भर तो याद रहेगा ये आपको, जब दूसरी बार एग्जाम दोगे ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा, इससे आसान और क्या हो सकता है। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट से देखो बच्चों इसका फायदा क्या होगा, कुछ क्वेश्चन जो किसी पे नहीं हो रहे वो जिसके कंसेप्ट अच्छे वो कर देगा, ठीक है, आप बेटे से ले जाओगे। और देखिए फेल और पास में इतना सा फर्क होता है, नुन्ना सा फर्क होता है ना, एक ये वाली लाइन है, यहां के फेल हो जाता है आदमी, यहां के पास हो जाता है, और लिटरली मैं बोल रहा हूं जो पास हो जाता है फिर उसे कोई नहीं पूछता कि कहां पास हुआ है, फाइनली पास है, और जो फेल हुआ है उसे फिर वो कितना एक्सप्लेनेशन देते थे उसके, कोई एक्सक्यूज मान्य नहीं होते, एक एक चीज मान्य होती है कि यू आर अ फेलियर, ठीक है, तो उससे बचना है, ये टेक्निक से हम काम करेंगे, तो जुड़े यही है हमारे साथ, और लगातार जो हमारी चीजें हैं उनसे आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, नोटिस करते रहिए, करंट अफेयर की जो हम क्लासेस लेके आ रहे हैं, जो रेगुलर चल भी रही है हमारी और नई चीजें आ रही है, बहुत शानदार होने वाली है, इसके साथ जोड़ के हम ये सारी चीजें कराते रहेंगे, और इसको इनका लाभ बच्चों उन तक भी पहुंचाइए जिन बच्चों को भी पता नहीं है, ठीक है, या जिन्होंने अभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं, या कुछ बच्चे ऑनलाइन से डरते हैं, आदत नहीं है, तो बहुत ईजी वे है, बहुत चीप वे है, और देखिए हम तो कोर्सेज बहुत ही कम कॉस्ट का होता है, इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी नहीं आ पाती, क्योंकि हमें पता है कि यार जो रूलर बैकग्राउंड का आदमी है, जो देश को चला रहा है, इस दुनिया को चला रहा है, जो बिल्कुल जमीन से उठ के आता है, संघर्षों से निकल के आता है, ठीक है, उसके माता पिता कैसे कैसे संघर्ष करके उसे पैसे देते हैं, उन पैसों के कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, ठीक है, 50,000 रुपये 60,000 रुपये एक एक सब्जेक्ट की फीस होती है, बड़े कोचिंग में जाओ 2-2 लाख रुपए फीस होती है, और साल 2 साल रहने खाने का खर्चा, ये सारी चीजें होती है बच्चों, इतना सब कुछ नहीं करना होता आपको, एक प्रॉपर देखिए सिविल सर्विसेज में एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे चलना होता है, और इस ट्रैक पे नहीं चल पाता आदमी, ये पकड़ ही नहीं पाता है ट्रैक, इस ट्रैक पर नॉर्मली वो चलता रहे, दौड़ना नहीं है, ये लंबी रेस के घोड़ों का खेल है, इसमें हमें छोटे घोड़े छोटे रेस के घोड़े नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें हमें लंबी रेस का घोड़ा चाहिए, एक मेंटेन रेस मेंटेन करके आप चलिए, सिलेक्शन होगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा, 2-3 साल वो लगा देते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या इवन UPSC के बारे में हम बात करते हैं तो 1.5 साल का प्रोसेस तो बच्चों उसका भी होता है ना, तो चलिए स्टे कनेक्ट विद अस, और बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहिए नए कोर्स के साथ, नई एनर्जी के साथ, थैंक यू वेरी मच।